पानी का बता रहा हूँ आपको, बोरवेल का पानी है जो काफ़ी तेज़ भी आ रहा है, टाइमर के हिसाब से कम भी हो रहा है। तो अनवर भाई ये बोरवेल है ना? बोरवेल है जी। नल का भी है कनेक्शन? बिल्कुल। चलिए नल और बोरवेल दोनों है, पानी अच्छा है। देखिए आप जो कोई भी चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नया वीडियो जब भी आएगा मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने पर भी आपके यूट्यूब से आपको मालूम पड़ता है कि नया वीडियो आया है। जो ऊपर बेल होती है उस पर नंबर आते हैं, आप क्लिक करने पर लिंक्स खुलते हैं, मेरा चैनल हो या मज़ीद चैनल हो, इस तरह से ज़रूरी होता है यूट्यूब पे फॉलो आपको सब्सक्राइब करना। और देखिए आज मैं आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाली G+1 घर लाया हूँ, जिसमें सारे सहूलताएँ, बोरवेल भी है, नल भी है और बिल्कुल रेडी टू मूव वाला घर है। हार्डली एक साल पहले बनाए बता रहे हैं भाई। देखिए रीलिंग वगैरह, ग्रेनेट वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आपको किराए से भी अगर देंगे तो बताया जा रहा है कि 16,000 किराया आएगा और बिल्कुल सेंटर में है। ये देखिए मैं चौरस्ते पे ठहरा हुआ हूँ, टिकलकुंटा चौरस्ता जो मशहूर है, डेक्कन बेकरी, नाइस होटल, अकबर दरबार वगैरह, उसी से हम सीधा जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से तो आपको शेख की मस्जिद रहेगी जो काफ़ी मशहूर है, और उसी के बीच में ये प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि टिकलकुंटा चौरस्ता और शेख की मस्जिद के बीच में। अगर आप टिकलकुंटे से आ रहे हैं तो राइट रहेगा, या शेख की मस्जिद से आ रहे हैं तो आप लेफ़्ट साइड रहेगी गली है। ये मसी कैफ़े है, ये न्यू नाइस प्लाज़ा होटल है। तो ये देखिए दोनों तरफ से रास्ते बताया हूँ आपको मैं, और इसी के बीच में बिल्कुल लेफ़्ट साइड जो आपको गली आएगी उसमें ये थर्ड रो में घर रहेगा, ये देखिए आपके सामने है। तो पूरा वीडियो देखिए, जो इंचार्ज है पूरा डिटेल लिया हूँ, आप कॉन्टैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक 66 स्क्वायर यार्ड का G+1 घर लाया हूँ आपके बीच, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और बोरवेल, नल की पानी की सारे सहूलतों के साथ है। और मैं मौजूद हूँ जो मशहूर इलाका है टिकलकुंटा शेख की मस्जिद से बिल्कुल बीच में, और ये तरफ आप देखेंगे, मैं बता लेते भी आप, टिकलकुंटा डेक्कन बेकरी नाइस होटल रहेगी, और दूसरी तरफ जो रहेगी शेख की मस्जिद जो मशहूर है, और उसी के बीच में दोनों रोड मेन रोड से सेकंड या थर्ड बीट पे ये जो प्रॉपर्टी है आज मौजूद है। जो बिल्डिंग के इंचार्ज है हमारे अनवर भाई भी मेरे साथ है। तो ये देखिए आप भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुकाम क्या आता है भाई? सानिया होटल। सानिया होटल मशहूर है, होटल नहीं रही, नाम रहेगा जी। तो ये मैं समझता हूँ ये रोड से पहली बीट है, ये दूसरी है, ये थर्ड है। देखिए थर्ड बीट पे है बिल्कुल, फिर बता दूँ आपको जी। तो यहाँ रोड वाइंडिंग की भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि बड़ी होंगी रोड, खैर वो सेकेंडरी है भाई, क्योंकि ये रोड चौड़ी होने वाली नोटिस हैं बता रहे, खैर वो सेकेंडरी है, लेकिन फिल वक्त भी ये थर्ड बीट पे है और G+1+ ऊपर खुला है। और आए मैं रास्ता जी ऊपर बता देंगे। देखिए अभी बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है ये, और जैसा हम इंटर हो रहे हैं अनवर भाई, ये 66 स्क्वायर यार्ड पे फेस कितना है? 20 फिट। देखिए नॉर्मली 100 फिट 100 गज़ के प्लॉट पे आपको 20 गज़ का फेस आता है 20 फिट का, लेकिन इस पे 66 स्क्वायर यार्ड पे ही आपको 20 आ रहा है, काफ़ी है ना भाई जी। ये देखिए जैसा इंटर जा रहे हैं हम, हल्की सी पार्किंग है टू व्हीलर की, वैसे गली में काफ़ी जगह है, आप रख ले सकेंगे। और ये स्टोरेज है पानी का शायद अनवर भाई जी। हाँ बोरवेल भी खोल के बताऊंगा मैं आपको। और जैसा हम इंटर हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे फर्स्ट फ्लोर के जाने के स्टेयर्स हैं, और यहाँ पर देखिए आप एक छोटा सा हॉल है और एक बेडरूम और ड्राइंग रूम है, बताऊंगा आपको मैं। ये देखिए सीलिंग करी हुई है, ये देखिए, और यहाँ हमारा ड्राइंग रूम है, ये भी सीलिंग के साथ है, और ये डोर भी बाहर निकल रहा है रोड के तरफ। देखिए आप और यहाँ पर एक ड्राइंग रूम के बाद आपको हॉल है, हॉल के बाद एक बेडरूम है, ये देखिए बेडरूम भी आपको देखेंगे, शेल्स का ऊपर सज्जा बना हुआ है रेयर इस्तेमाल करने वाला सामान रखने के लिए। और यहाँ देखिए आप, थोड़ा अभी रोशनी नहीं है, मैं किचन है ये देखिए अभी रोशनी कम है, तो यहाँ किचन में बल्ब नहीं है और मैं सडन आया हूँ। तो ये देखिए किचन है और एक यहाँ पर एक वॉशरूम है, और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो रहा है अनवर जरा। ये देखिए आप,
और ये देखें बिल्कुल जैसा हम जा रहे हैं, ये आपको वॉशरूम है और इसी से आपको स्टेयर्स है जो 3.5 फीट के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ग्रेनाइट के साथ है पूरा। और SS की रेलिंग आपको नीचे से लेके ऊपर तक है, देखें ये देखें। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर चालू हो रहा है, यहाँ भी इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है, देखिए जैसा एक हॉल है, फिर आपको ड्राइंग रूम है ये देखें। और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये बेडरूम है देखिए काफ़ी बड़ा, जैसा नीचे देखेंगे उसी तरह का है कंस्ट्रक्शन, यहाँ सीलिंग करी हुई आपको। और यहाँ पर आपको एक किचन है ये देखें, ये डक है आपको, हैंड वॉश है इधर। और यहाँ वॉशरूम है ये देखिए आप, और ये हॉल है देखिए, हॉल पे भी आप सीलिंग वगैरह देखिए। और ये ड्राइंग रूम जैसा नीचे उसी तरह है, यहाँ आपको बालकनी के साथ है, जाता हूँ आपको ये देखिए, यहाँ टॉयलेट है सीढ़ियों के नीचे और हम ऊपर जा रहे हैं। और ये देखिए आप, हम बिल्कुल ऊपर है अभी और फ्लोरिंग करी हुई है यहाँ पर, आपको पानी वगैरह रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये देखिए आप, आप आजू बाजू भी देखिए अच्छे बिल्डिंग्स बने हुए हैं पूरे। और जो आपको दिख रही है मस्जिद है शायद, मैं समझता हूँ शेख की मस्जिद है, और आसपास बिल्कुल। तो भाई तो देखिए जैसा पूरा घर बता दिया आपको अनवर भाई जो इंचार्ज है घर के, वो भी मौजूद है मेरे साथ। तो अनवर भाई ये कितने गज है बताया? 66। डॉक्यूमेंट्स क्या है? रजिस्टर्ड है, नीचे भी 2 BHK, ऊपर भी 2 BHK, 2 BHK। तो पानी की सहूलत तो बोरवेल है, मैं बता दूंगा। नल का क्या है भाई? नल का कनेक्शन भी है। तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री। अगर एक मोटे हिसाब में नीचे ऊपर अगर देंगे तो क्या किराए की उम्मीद हो सकती है यहाँ पर? 16,000 आएगा, 16,000 रुपये तक कम से कम आएंगे। तो देखिए ठीक है, अब इसकी उम्मीद क्या जता रहे हैं रेट के ताल्लुक से? 58। तो भाई ज़रा नंबर बोल दीजिए जिस पे कांटेक्ट करना है। 9700 जी 9700 8277 2929। चलिए देखिए नंबर रहेगा, और एक कोई नंबर रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आके देखने के लिए बिल्कुल सहूलत है, शेख की मस्जिद मशहूर है, वहाँ आ जाए या फिर नाइस होटल टेकन बेकरी तिकल गुंटे पे आ जाए। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके भी प्रॉपर्टी सेल्स पे या रेंट पे या किसी किस्म का प्रमोशन कराना है, मेरा मोबाइल नंबर है 9985757530, 9985753330। अल्लाह हाफिज़।